कुछ लोग अपने आप को इतना ज़्यादा होशियार समझते हैं जिसकी कोई भी लिमिट नहीं, बल्कि ये वक्त ऐसा है कि एक दूसरे के साथ में लोगों को खड़ा होना चाहिए। इस टाइम में ये नहीं पूछना चाहिए कि कौन हिंदू धर्म से है, कौन मुस्लिम धर्म से है, कौन सिख से है, या फिर कौन ईसाई है, या फिर कोई और अदर धर्म, बल्कि ऐसे टाइम में सिर्फ और सिर्फ इंसानियत इंसान की काम आती है। एक ऐसे ही सोशल मीडिया वर्कर ने बड़ा प्यारा खूबसूरत सा मैसेज दिया, एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाकर भेजा, जो मैं ज़रूर चाहूँगा आपसे शेयर करना। उन्होंने सभी सच्चाई बयां करी, जो जो इस टाइम इसराइल पलेस्तीन में चल रहा है उसके बारे में भी कहा, जो जो इंडिया में चल रहा है उसके बारे में भी खास तौर से यहाँ पर कहा, हॉस्पिटल्स के अंदर बेड वगैरह नहीं है उसके बारे में भी उन्होंने बहुत बड़ा अपना स्टेटमेंट दिया। इंसान ही इंसान के काम आता है, और अगर इसी दौरान में इसी मुसीबत के वक्त में हम दूसरे के साथ में स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा? इसका मतलब हम इंसान नहीं हैं। हम किसी और दूसरी कंट्री का स्टैंड लेंगे साथ में तो भाई हम बहुत बड़े वाले इंसान हैं, है ना, यही शायद सच्चाई है। चलिए देखते हैं वो वीडियो क्या कहा उन मैडम ने, सोशल मीडिया वर्कर ने। बाप को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, भाई को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर पर रिश्तेदार पड़े हुए हैं, गंगा नदी में लाशें बह रही हैं, गैर मुस्लिम को मुस्लिम मुखाग्नि दे रहा है, चिताएं मुस्लिम समाज जला रहा है, गंगा में लाशें तैर रही हैं जिसको चील कौवे खा रहे हैं, लेकिन हैशटैग चला रहे हैं कि आई एम स्टैंडिंग विद इसराइल। मतलब पैलेस्तीन पे हमला हो रहा है लेकिन इसराइल के साथ खड़े रहेंगे, इसराइल का साथ देंगे, क्योंकि वहाँ पे पलस्तीन में तो अब्दुल टाइट हो रहा है ना, पलस्तीन में तो अब्दुल टाइट हो रहा है, तो अब्दुल टाइट होना चाहिए, चाहे यहाँ बाप को ऑक्सीजन ना मिले, अब्दुल टाइट होना चाहिए, चाहे घर में खाने को राशन ना हो, अब्दुल टाइट होना चाहिए, चाहे बेड हॉस्पिटल में बेड ना मिले, चाहे फाके करें, राशन नहीं मिलेगा घर में, इतनी महामारी आई हुई है, परेशानी के हालात हैं, लेकिन अब्दुल टाइट होना चाहिए पलस्तीन में, इसराइल के साथ खड़े हैं। किस तरह की अंधभक्ति है दोस्तों, अगर वाकई में कोई वफादारी, अगर वफादारी शब्द जिसको बोलते हैं ना उसको बोलते हैं अंधभक्ति, इतनी अंधभक्ति भरी पड़ी हुई है लोगों में कि हैशटैग चला रहे हैं कि आई स्टैंड विद इसराइल, जो कि इसराइल इतनी मासूम लोगों को मार रहा है पलस्तीन में, और भारत में हैशटैग चला रहे हैं कि आई स्टैंड विद इसराइल, और भारत की खुद की कंडीशन ऐसी है कि सऊदी अरब ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन इनके बाप की बस की नहीं है, सऊदी अरब ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन सऊदी अरब का इस्तेमाल करेंगे, इंडिया में बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बाप ऑक्सीजन से मरा, ऑक्सीजन के बिना मरा जा रहा है, लेकिन बेटा लिख रहा है कि आई स्टैंड विद इसराइल। अरे किस तरह की अंधभक्ति है भाई, कहाँ से लाते हो ऐसी अंधभक्ति, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, पहली बार देख रही हूँ इस तरह के कि लोग किस मानसिकता के लोग हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, इतनी मानसिकता गिर चुकी है कि इनको ये समझ में नहीं आता कि क्या सही और क्या गलत है, बस मुस्लिम्स की हत्या होनी चाहिए, मुसलमानों की मौतें होनी चाहिए तो ये खुश हैं, इसराइल मार रहा है मासूम लोगों को पैलेस्तीन में तो खुश हैं, और हैशटैग चला रहे हैं कि आई स्टैंड विद इसराइल। अरे भैया पहले अपने बाप को ऑक्सीजन तो मुहैया करवा लो, पहले अपने लोगों को हॉस्पिटल में बेड तो दिलवा दो, यहाँ तो त्राही त्राही करके मर रहे हैं और खड़े हैं इसराइल के साथ। अरे जब अपना घर भरा होता है ना भाई तो समझ में आता है कि आप दूसरे देश के साथ खड़े हो, खुद में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने बाप को भी तुम ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा सकते, और हैशटैग चला रहे हो कि आई स्टैंड विद इसराइल, इसराइल अच्छा काम कर रहा है और ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, किस तरह के लोग हो तुम लोग, किस तरह की मानसिकता के लोग हो तुम लोग कि किसी इंसान के मरने पे खुश हो रहे हो, कोई देश में पलस्तीन देश में लोग मर रहे हैं खुश हो रहे हो, इसलिए खुश हो रहे हो कि वहाँ पर मस्जिद पर हमला हुआ, मस्जिद अक्सा पर हमला हुआ इसलिए खुश हो रहे हो, किस तरह की मानसिकता रखते हो तुम लोग, शर्म नहीं आती, मतलब अच्छे और बुरे में फ़र्क करना ही भूल गए। अंधभक्ति का मतलब ये तो नहीं होता, अंधभक्ति इतनी समा गई है कि अब मुसलमानों का
के साथ जो गलत हो रहा है उसको इंसान अंधभक्ति समझने लगा, उसको इंसान वफादारी समझने लगा है कि बस मुस्लिम्स पे जुल्म होने चाहिए तो उस मतलब उससे खुश हो रहे हैं। इतनी अंधभक्ति, शर्म आनी चाहिए इतनी भी अंधभक्ति पर। मतलब सही गलत में फैसला करने का आप लोगों का वही ख़त्म हो गया है कि सही क्या है, गलत क्या है, इंसानों को कहाँ मारा जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है, मासूम की मौतें हो रही हैं, बच्चे मर रहे हैं। अरे पहले भाई अपने परिवार को तो ऑक्सीजन मुहैया करवा दो, अपने परिवार को तो ऑक्सीजन दे दो, अपने भाई को हॉस्पिटल में बेड तो दिलवा दो, फिर खड़े होना इसराइल के साथ। इसराइल साथ देने नहीं आएगा तुम्हारा, होंगे आपके पापा के अच्छे संबंध इसराइल से, ठीक है? तो इसराइल पे खुश होना, जो मुसलमान की मौतें हो रही उस पर खुश होना बंद करो, और जो गंगा में लाशें बह रही हैं उसके बारे में सोचो कि जो चील कौवे लाशें खा रहे हैं वो कहाँ से हुआ, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है इस तरीके से, ऐसी नौबत क्यों आई है जो गंगा नदी में लाशें बह रही हैं, ऐसी नौबत क्यों आई है जो किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा और कई हज़ार कई लाख मौतें हो गई हैं, ऐसी नौबत क्यों आई है? इसराइल आके ऑक्सीजन नहीं देगा आपको, ऑक्सीजन सऊदी अरब ने भेजा है। और जो लोग कहते हैं कि भारत ने इंजेक्शन भिजवाया था सऊदी अरब में तो इस वजह से सऊदी अरब ने ऑक्सीजन भेजा है, तो मैं उनको ये बता दूं कि सऊदी अरब ने जब ऑक्सीजन वो इंजेक्शन जो लिया भी था वो ख़रीदा था पैसों से, पैसे दिए हैं उसके, लेकिन उसने जो ऑक्सीजन भेजी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी है, यानी अपने सारे हिंदुस्तानी भाइयों के लिए भेजी है ऑक्सीजन, जिसके उसने कोई भी पैसे नहीं लिए हैं। और जिस पे मैंने देखा है कि यहाँ आते ही रिलायंस का वो लगाने लगे हैं आप लोग बैनर, रिलायंस उसके ऊपर रिलायंस का वो चिपका दिया कि ये रिलायंस का है। अरे इतनी सूझबूझ कहाँ से लाते हो? कम से कम जिसने जो कुछ दिया उसका नाम तो करो। तब भी ये सऊदी अरब वाले कहते हैं कि भाई चलो हमने दिया लेकिन कम से कम आप रिलायंस का ही ठप्पा लगा दो, लेकिन दो तो हमारे भाइयों को ऑक्सीजन तो मिलनी चाहिए। अब कहाँ ऑक्सीजन मिल रही है, कहाँ नहीं मिल रहा है ये नहीं पता, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि दूसरों की मौतों पे खुश होना बंद करो। पहले अपने देश में देखो कि क्या परेशानी से इंसान जूझ रहा है, क्या परेशानी से इंसानियत मर रही है, पहले वो देखा जाए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।